कास्ट फ्रॉम सेलफोन चैनल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हवावे नोवा 7i। ये 2022 के जनवरी का एंड चल रहा है और आज के डेट में ये फ़ोन आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे तकरीबन 2 साल होने को हैं लॉन्च हुए हुए और इस डेट में ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। मैं इसका आपको कुछ प्रोज और जो भी इसकी खूबियां और खामियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। हवावे में सबसे मेन मसला जो आया, जिसकी वजह से शायद लोगों ने इसे यूज़ करना कम कर दिया, वो है गूगल सर्विसेज का ना आना। इसमें गूगल सर्विसेज नहीं है और ये एंड्रॉयड की कुछ ऐप्स नहीं चलाता। इसमें यूट्यूब की ऐप अब तक इंस्टॉल नहीं हो सकी मुझसे। इसके अलावा फेसबुक वगैरह लाइक की बाकी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़्यादातर ऐप्स जो हैं वो इसमें चल रही हैं, जिनमें OLX, पार्कवेल, लाइक की, पबजी, ये सब कुछ इसमें चलता है। व्हाट्सएप भी चलती है इसमें अच्छी तरह, गूगल क्रोम भी हो जाता है इसमें। हाँ, गूगल मैप्स भी नहीं चल रहे इसमें। और इसके अलावा बाकी तो तकरीबन सारी ऐप्स ही चल रही हैं, फाइल, गूगल फाइल, दराज वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सारी ऐप्स इसमें मैंने इंस्टॉल की हुई हैं और वो चल रही हैं बेहतरीन। जैसे शेयर इट हो गया, कुछ दिनों में आप यूज टू हो जाते हैं इसका, लेकिन शुरू शुरू में आपको काफ़ी मसला रहता है। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आपके अकाउंट्स वगैरह हैं यूट्यूब में, तो थोड़ा मसला आएगा आपको। टिकटॉक पहले नहीं थी चल रही, लेकिन टिकटॉक भी अब इसमें इंस्टॉल हो चुकी है और चल रही है। तो इस दौर के हिसाब से इसका 6.4 इंचेस 1080 डिस्प्ले है इसका, और इसका डिस्प्ले जो है वो आप 720 पे भी कर सकते हो अगर आपको बैटरी बचानी है। आपको डिस्प्ले की क्वालिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, बैटरी से मतलब है, तो आप इसमें 720 रेजोल्यूशन करके भी चला सकते हो और 1080 करके भी। ये बहुत कम फ़ोनों में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इस दौर के हिसाब से इसका मैं आपको एंटर टू स्कोर दिखाऊं तो ये बहुत ही कमाल का एंटर टू स्कोर है इसका। ये देखें 353,060। ये किरिन 810 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है और काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव इसका प्रोसेसर है, जो कि आज के दौर में भी 50,000 की रेंज में भी इतनी फास्ट प्रोसेसर, क्योंकि स्नैपड्रैगन 732GB 3 लाख के अराउंड अबाउट उसका स्कोर आता है, उसकी भी स्पीड शायद इतनी ना हो। इसके अलावा इसके बारे में आपको बताऊं कि ये डुअल सिम सपोर्ट करता है, और अगर आपने एक सिम डालनी है और एक मेमोरी कार्ड डालना है तो फिर आपको दूसरी सिम नहीं डलेगी। इसके अलावा इसके बारे में इसमें ये देखें, सेल्फी कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, बस गुजारा है। और बैक कैमरा भी बहुत अच्छा नहीं है, शायद किसी को थोड़ा ठीक लगे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता इसका बैक कैमरा। 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा है मेन, और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 2-2 मेगापिक्सल के छोटे सेंसर हैं वो। इसके अलावा इसमें 4200mAh की बैटरी है इसकी। वो 4200mAh की बैटरी आप ये कह सकते हैं एवरेज बैटरी है, दरमियानी, आपका गुजारा करती है
बहुत थोड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जिन फ़ोनों की थोड़ी ज़्यादा बैटरी होती है उनसे इसकी थोड़ी कम ही रहती है, क्योंकि 5000 वाली या उससे अबव भी बैटरी अब दरमियानी रेंज में फ़ोनों में आई हुई हैं और वो बहुत अच्छी होती है इसकी निस्बत। और इस